बुलंदशहर के छतारी क्षेत्र सेठ रामनंद मंगलसेन महाविद्यालय में कॉलेज के एक अध्यापक द्वारा अवैध उगाही के विरोध करने पर कॉलेज के एक दलित बीएड छात्रा के साथ मारपीट व जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। विद्यालय प्रशासन की तरफ से विद्यालय के कुछ छात्र व छात्राओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। आप डिग्री कॉलेज की छात्रा, एक टीचर ने आपके साथ में मारपीट की है, पूरा मामला है क्या? अब तक किस प्रकार की कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो कोई नहीं हुई है। आपकी मांग क्या थी? आपको क्या मोमेंट में चोट कैसे लगी थी? ऐसा था कि इन्होंने हमें गलत डेट बता के प्रैक्टिकल की कल ही बुला लिया, 21 तारीख को बुलाया हमें। प्रैक्टिकल की डेट तो वैसे 27 को है, इन्होंने अवैध वसूली के लिए हमें बुला लिया। यहाँ पे सभी बच्चे से 4,000 रुपये मांग रहे हैं ये प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाने के लिए, और खुले मांग रहे हैं। आप सेकंड ईयर वाले से पूछो चाहे हम लोगों से पूछो, सबसे मांग रहे हैं ये। अच्छा, ऐसा कोई आपके पास प्रूफ है या रिकॉर्डिंग है या वीडियो है जो प्रूफ का, जो 4,000 रुपये मांगे जा रहे थे वसूली की जा रही है? प्रूफ है हमारे पास, है भाई के पास प्रूफ है। अच्छा, तो ये चोट कैसे लगी थी आपको? चोट भी ऐसा था, इन्होंने गौरव सर डायरेक्टर हैं और वो क्या नाम है उनका, वो लाइब्रेरियन है विशाल, और पीटीआई सर, उन्होंने मेरे से कहा था, उन्होंने कहा 4,000 रुपये दो अगर आपको प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाने हैं तो। मैंने उनसे बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगी। बोले तो ठीक है अकेले में आके बात करो। मैंने अकेले में अपने भाई को सूचित किया, मेरा भाई उसी कॉलेज से बीएड कर रहा है, भाई देखिए ऐसे ऐसे बोल रहा है अकेले में आके बात करो। मेरे भाई ने कहा कि आप अकेले में बात क्यों करना चाहते? जैसे मेरे भाई ने उनसे कहा तो उन्होंने ना कुछ पूछा ना कुछ समझा, बस हम दोनों को मारना शुरू कर दिया। के साथ टीचर ने मारपीट किया, क्या मामला, किस प्रकार की कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई ये है, ये सेठ रामानंद मंगलसेन महाविद्यालय है, तो किसी बात को लेके बच्चों को शायद डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे या नहीं थे, बच्चे बता रहे हैं हमारे यहाँ कंप्लीट, एक्चुअल में उनके बच्चों को कुछ कहने का मतलब और है कि पैसा ज़्यादा चार्जेस करते हैं, इसी बात को लेके कुछ कहाँ सुनी हुई। तो बच्ची के बीएड के स्टूडेंट्स है, उसके सिर पे चोट आ गई थी उसमें, तो जिस टीचर का नाम बताया वो डॉक्टर है कॉलेज का जो अनुशासन समिति, उसको बुला लिया गया थाने पर पूछताछ के। सर, छात्रा का ये कहना कि पुलिस ने काफ़ी देर के बाद में मुकदमा दर्ज करा और सत्ताधारी पार्टियों के कुछ नेता के फ़ोन आ रहे थे जो दबाव के कारण जो मुकदमा देरी हुई, ये तो सब गलत बातें हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में तो नहीं है। सत्ताधारी पार्टी वाले ने किसी ने कहा हो या विपक्ष वाले ने किसी ने कहा, ऐसा सर बच्चों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है सर? अगर बच्चों ने अगर कुछ गलतियाँ की होंगी तो मुकदमा देखो, मुकदमा कोई भी आदमी पंजीकृत कर सकते हैं, ठीक है ना, और फिर क्या है उसमें वो जांच के बाद पता चलता है, इसीलिए विधिक कार्रवाई जारी। मारपीट हुई है एक टीचर के साथ, क्या क्या है पूरा मामला? ऐसा नहीं है, भीड़ में लड़की आ गई है, किसी ने आपस में मारछेड़ होने से उसके चोट लगी। अच्छा सर, आपको बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके कॉलेज पर छात्रा इतना स्कोप है कि छात्र मेन गेट पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल के नाम से 4,000-4,000 रुपये वसूले जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना छात्राओं को धरना प्रदर्शन देने की मोहताज क्यों आ गई? केवल फाइलों का अपूर्ण होने की वजह से ये लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि धन की वजह से ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी डायरेक्टर साहब बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति है। कोई छात्रा एक आरोप और लगा रही है कि टीचर उनसे अकेले में बात करना चाह रहे थे, किस तरह की बात करना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। और किस प्रकार है, जब आश्वासन क्या मिल रहा है अब तक, इतना क्यों मोहताज होगी छात्र धरना प्रदर्शन पर आ गए? इसकी लड़की की चोट लग गई, इसके भाई ने आवेश में आकर ऐसा किया, इतना क्यों तूर पकड़ गया था तो छोट इतनी हाथफाई हो गई? वो आवेश ये लग बता रहा है कि मुझे इंटर नहीं होने दिया कमरे में, जबकि ऐसा नहीं, सभी छात्रा अंदर थी और छात्र भी अंदर थे जिनका कार्य पूरा नहीं था। कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं कि आपके पास स्टेज हैं क्या, आप जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ नहीं था, कोई कैमरा है क्या आपके पास में? हम वैसे बताते हैं मौके आपको, अगले गेट से निकली हैं बालिकाएँ, पिछले गेट से निकले हैं छात्र इकट्ठे होकर आ गए हैं, जब वो लड़का जो है हमारी प्रॉक्टर से जूझ रहा था, उस जूझने में लड़की जो बीच में आ गई, इसलिए उसके चोट लग गई, मारा किसने नहीं है। बरेली जिला अस्पताल में वरद कल्याण योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया। जनपदीय अधिकारियों के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। डिजिटल स्क्रीन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर योजना के उपलब्धियाँ भी दिखाई गई। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पहले से ही लागू है, 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ हुई थी, आज इसका एक वर्ष पूरा हो गया, इसका ही वार्षिकोत्सव का समारोह हम लोग आज मना रहे हैं।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जैसा कि आपको विदित है, जो लाभार्थी परिवार हैं उनके प्रत्येक सदस्य के बीमार होने की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का उपचार निःशुल्क कराया जाएगा। हमारे जनपद बरेली में 2,32,000 परिवार इस योजना के लाभार्थी हैं, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का उपचार प्राप्त करने के लिए अनुमन्य है। 94 हमारे निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं, जिसमें से किसी में भी वो उपचार करा सकते हैं, और 6 राजकीय चिकित्सालय भी सूचीबद्ध हैं। जनपद बरेली में ऐसे लाभार्थियों जिन्होंने उपचार प्राप्त किया है इस योजना के अंतर्गत 15,000 से अधिक लाभार्थी हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं, और इस दृष्टि से बरेली जनपद उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। आज इस समारोह में इस योजना में जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है और जिन चिकित्सालयों ने अधिकतम रोगियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया है, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। माननीय नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, क्या प्रोग्राम चल रहा है इसके? आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को पूरा 1 साल हो गया है, 2018 में शुरू हुआ था, उसी उपलक्ष में इसका वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कार वितरण किया जा रहा है, और जो प्राइवेट नर्सिंग होम है जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको भी जो है एक शील उसके रूप में शील टाइप के रूप में उनको सम्मानित किया जाए। नर्सिंग होम अभी तक कितने कार्ड बन गए होंगे आयुष्मान कार्ड? लगभग कितने बने? आयुष्मान टोटल तो सीएमओ की तरफ से बनते हैं, हमारे यहाँ तो जो आयुष्मान कार्ड है कम से कम 1800 के करीब बनते हैं। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध श्री रामलीला में भगवान श्री राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न की किरदार निभाने वाले कलाकारों के साथ उनके परिवार का श्री गिरिजाजी सेवा मंडल द्वारा आगरा किले के सामने प्राचीन हनुमान मंदिर पर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आइए, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है किस उद्देश्य से किया गया है? ये जो हमारे गिरिजाजी सेवा मंडल परिवार के द्वारा जो रामलीला का जो महोत्सव है उत्तर भारत में जिसकी ऐतिहासिक मान्यता है, उसमें उसके संदर्भ में राजा रामचंद्र जी के और माता सीता के दोनों के प्रसाद का स्वागत यहाँ पर रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रसादी रखी गई है, और ये सोच करके रखा गया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस आयोजन से जुड़े, और मेरा शहर की जनता से यही सबका निवेदन है कि रामलीला के महोत्सव में जो हमारा 20 दिन के लिए चलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहभागिता बनाए। 25 तारीख ये आयोजन कितने वर्षों से चला रहा है? भाई सैकड़ों वर्षों पुराना ये कार्यक्रम है भाई रामलीला महोत्सव जो है, और गिरिजाजी सेवा मंडल के द्वारा भी पहली बार किया गया है कि ये शहर में स्वस्थ संदेश जाए। हमारे जो खुद के मेम्बर हैं 125 लोग, उन लोगों को भी ये इससे जुड़ने की प्रेरणा मिले, इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम है। रामपुर थाना टांडा पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर कछुए की तस्करी कर ले जा रहा, जहां देर रात एक्टिव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संज्ञान लेते हुए तत्काल एक टीम चौकी धड़ियाल चौराहे पर तैनात कर दी। वहीं मोटरसाइकिल के आता देख रोकने का इशारा किया तो आरोपी ने भागने का प्रयास भी किया, जहां पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए आरोपी को धर दबोचा और उसकी तलाशी के दौरान एक बैग से लगभग 35 कछुए जिंदा बरामद हुए, जहां पुलिस ने सभी कछुओं को अपनी गिरफ्त में लेते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। सर, थाना टांडा कोतवाली में पुलिस को सफलता मिली है जहां कछुए बरामद हुए, क्या है मामला? दरअसल आज 22 सितंबर को कछुए के एक इंडियन फ्लैगशिप टर्टल एक स्पीशीज है कछुए का, जो कि गंगा के जो 3 पार्ट हैं अपर लोअर और मिडिल वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये स्कैवेंजर्स बोले जाते हैं जो कि गंगा को साफ़ करने का काम भी करते हैं। ये एक दुर्लभ प्रजाति है जो कि हमारे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। जैसा कि हमें सबको पता है कि 6 शेड्यूल बनाए गए हैं उसमें, उसमें से जो दुर्लभ प्रजाति हैं और जिनका हमारे इस रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है उनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये जो कछुआ की प्रजाति जो कल पकड़ी आज सुबह पकड़ी गई है, ये जो है वो शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका नाम लेसिमिस पंक्टाटा साइंटिफिक नेम है, और जनरली ये
मेढक या उसके जो टैटफोल्स लार्वा होते हैं या छोटे छोटे जो केचुए वगैरह होते हैं वो उसको खाता है, और इसका जो अवैध परिवहन करते हैं, अवैध जो इलीगल इसका हंटिंग करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके एग और मीट वो दोनों खाने में बड़े एक लग्जरी या बड़े स्वादिष्ट व्यंजन माने जाते हैं, शायद इसलिए उसका अवैध रूप से लोग इसका हंटिंग करते हैं। अगर हमें गंगा को साफ रखना है तो ऐसी गतिविधियों को रोकना है। कितने कछुए पकड़े गए हैं और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार? एक आरोपी एक बाइक CD-100 SS बाइक के साथ गिरफ्तार हुआ है, और टोटल 35 कछुए जो है वो पकड़े गए। सर, टांडा में कछुआ तस्कर पकड़ गए, क्या है मामला सर? थाना टांडा में दर्जनों कछुए बिक्री के लिए ले जा रहे कछुआ तस्कर पकड़े गए। थाना टांडा पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। इसके अतिरिक्त इसमें वन अधिनियम की भी धाराओं का समावेश होगा। वन विभाग के लोगों को भी अवगत करा दिया गया, उनके अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। इस नेक्सस का जहां तक संपर्क होगा उन सबको खंगालने का प्रयास पुलिस और वन विभाग कर रहा है। जो कछुए बरामद हुए हैं उनके आधार पर पंजीकृत अभियोग में साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय पेश कर। पटवाई के क्षेत्र के भया नगली की पुरानी जमीन को विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में जमकर चले लाठी डंडे। जी क्या नाम है आपका? अतर सिंह जी। क्या मामला है? मामला ये है साहब, हमारा जमीन का मैटर था, इनमें हमारी भाई की जमीन जो है अपनी घरवारी के नाम राम कुमार सिंह ने करा ली थी। इस मैटर में जो है हमारी घर पर चढ़ के और हमारी लड़कियों को और हमें जो है मारा, हमारी भैंस भी ले गए खोल के और पैसे ले गए। कहाँ से आए हैं? भैया नगला से। अच्छा, कोई आपकी रंजिश चल रही थी उनसे क्या? रंजिश यही जमीन की रंजिश थी हमेशा हमसे कि जमीन पे आपने आपत्ति क्यों लगाई है। बस ये रंजिश थी, हमने आपत्ति लगा दी थी या हमारा भी हक है भाई की जमीन में। आपकी बेटियों को मारा क्या? हम बेटियों को सर बहुत ज़्यादा मारा है। अब आप चाहते क्यों? हम चाहते हैं सर हमारी जो है कानूनी कार्रवाई है कि सुनवाई करें।